लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने कमर कसी है। बुधवार को लखनऊ में हुई राज्य कार्यकारिणी की बैठक में अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी तैयारी यूपी के सभी 80 सीटों पर है। वो इंडिया गठबंधन में है, इसलिए सपा कम से कम 65 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके अलावा पार्टी ने बूथ कमेटियों को लेकर भी रणनीति बनाई है। चौबीस की लड़ाई तेज हो गई है और 2024 की जंग जीतने के लिए यूपी अहम है। यही कारण है कि सभी दलों का फोकस यूपी पर है। बीजेपी जहां मिशन 80 की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं सपा ने भी अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। सपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद अखिलेश का सीट शेयरिंग पर फैसला कांग्रेस और रालोद की मुश्किल बढ़ा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर सपा और कांग्रेस में तकरार इंडिया गठबंधन में टूट की कगार तक पहुंच गया है। अखिलेश ने कांग्रेस को चेताया भी था कि जिस तरह का व्यवहार अब हो रहा है उसी तरह का लोकसभा चुनाव में होगा। उनका इशारा यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर था। अब अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन हुआ तो 65 नहीं तो सभी 80 सीटों पर सपा लड़ेगी। इस बयान से अखिलेश ने साफ कर दिया है कि जयंत के रालोद और कांग्रेस को सपा 15 से ज्यादा सीट नहीं देने जा रही। राशद जी ने ये भी कहा है कि कम से कम हम उत्तर प्रदेश में 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वैसे तो हमारा लक्ष्य 80 का है, लेकिन हम उस 65 सीटों पर तो कंफर्म हम अपना है कैंडिडेट उतारेंगे। यानी गठबंधन के लिए 15 सीटें छोड़ी है। हाँ, गठबंधन की उसमें जो भी जो होता है तो 15 सीट है और हमारा 65 सीटों का लक्ष्य है। ये आज राशद जी ने निर्देश दिए हम सबको। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में कांग्रेस और सपा ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया था, मगर बीजेपी की प्रचंड लहर में अखिलेश यादव और राहुल की सियासी दोस्ती कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि 2024 में कांग्रेस सपा के साथ आने से दोनों ही दलों को फायदा होने का अनुमान है। 2022 यूपी के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी स्थिति मजबूत की, जबकि कांग्रेस की हालत और पतली हो गई। यूपी से अभी भी कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं, इसीलिए कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। लेकिन अखिलेश के तेवर के बाद इंडिया गठबंधन पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जीत के समाजवादी प्लान दरअसल समझे, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में जीत का प्लान तैयार किया गया है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को दिया है जीत का मंत्र। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कवायद भी तेज की गई है। 2024 जीतने के लिए सपा का एक बूथ 20 यूथ का मंत्र तैयार किया गया है। बूथ स्तर पर मजबूती के लिए बैठकों का दौर भी जारी है। 2024 से पहले हर जिले में लगेगा प्रशिक्षण शिविर। बूथ मैनेजमेंट, वोटर लिस्ट और बूथ कमेटियों पर चर्चा होगी। सभी 80 लोकसभा सीटों का अलग अलग आंतरिक बैठक कराई जाएगी। सभी विधानसभा के प्रभारी तय किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक बूथ कमेटी में हर जाति को प्रतिनिधित्व मिलेगा। पार्टी नेताओं को गुटबाजी से दूर रहने के भी निर्देश अखिलेश यादव की तरफ से दिए गए हैं।